दोस्तों यहां पे देखो, मैं आपके सामने एक चैनल का पूरा एनालिटिक्स ओपन किया हूं, पूरा आपको डेटा दिखा रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ये जो आपको पूरा डेटा दिख रहा है, पूरा एनालिटिक्स दिख रहा है ना, ये एक शॉर्ट चैनल का डेटा दिखा रहा हूं। और उससे भी बड़ी बात है कि ये लास्ट 28 दिन का मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 28 दिनों के अंदर इस शॉर्ट चैनल पर इतना सारा इंक्रीज किए गए हैं व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स और अर्निंग। ये देखो लास्ट 28 दिनों के अंदर इस शॉर्ट चैनल पर 115 मिलियन व्यूज इंक्रीज किए गए हैं, और यहां पर देखो वॉच टाइम 7 लाख से ज्यादा आए हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये देखो, 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई दिनों से काम कर रहे हैं, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से, बट अभी तक अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। बट यहां भी देखो इस शॉर्ट चैनल पर, ये जो शॉर्ट चैनल है ना, इस पर बहुत ही आसान आसान वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है और व्यूज बहुत ज्यादा आता है। मतलब बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाओ तो आपका भी कुछ इस प्रकार से व्यूज वगैरह आएगा। और अर्निंग देखो लास्ट 28 दिन यानी कि 1 महीने की अर्निंग देख लो इस बंदे का, 7,03,949 रुपए की अर्निंग सिर्फ 1 महीने में। 1 महीने में शॉर्ट वीडियो बना के बंदा 7 लाख से ज्यादा का अर्निंग करता है मंथली, 7 लाख से ज्यादा अर्निंग करता है, क्योंकि व्यूज देखो यहां पे कितना ज्यादा आ रहा है, 115 मिलियन व्यूज। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने शॉर्ट चैनल पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत सारा व्यूज बढ़ा सकते हो, बहुत सारा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा सकते हो। क्योंकि दोस्तों आज ना, आज मैं आपको टॉप 5 शॉर्ट चैनल का आइडिया बताने वाला हूं, और इन 5 शॉर्ट चैनल के आइडिया में से किसी भी टॉपिक के ऊपर काम करते हो। देखो टोटल 5 कैटेगरी बताऊंगा शॉर्ट चैनल का, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। टोटल 5 कैटेगरी बताने वाला हूं, 5 में से कोई भी कैटेगरी पर आप काम करते हो तो आपके चैनल पर व्यूज बहुत ज्यादा आएगा। 5 में से किसी भी कैटेगरी पर काम कर लो, व्यूज बहुत ज्यादा आएगा, अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगा, और आपके भी चैनल पर कुछ इस प्रकार से व्यूज वगैरह आएंगे। व्यूज ऐसे आएंगे, वॉच टाइम भी आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी आएंगे और अर्निंग भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो चलिए मैं आपको 5 कैटेगरी के बारे में एक एक करके बताता हूं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं डेली एक चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में करता हूं, जिसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो में कोई भी कमेंट कर देना है, क्योंकि हम कमेंट फिगर से विनर निकालते हैं, जिसका भी कमेंट हाईलाइट होता है उसके चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में कर देते हैं। और दोस्तों इससे पीछे वाले वीडियो के विनर ये भाई हुए हैं, तो इसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया हूं, तो सिंपली जाके आप लोग इस भाई को सपोर्ट कर देना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपको सारा चैनल का आइडिया एक एक करके बताने वाला हूं, और आपको बताऊंगा भी कि किस प्रकार से अर्निंग होगा, कैसे आपको ग्रोथ करना है, सारा चीजें बताऊंगा, ठीक है। टोटल 5 कैटेगरी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक हो गया पांचवा। टोटल 5 कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप शॉर्ट चैनल बनाने की सोच रहे हो, या तो बहुत दिनों से शॉर्ट चैनल पर काम कर रहे हो, आपके शॉर्ट चैनल पर व्यूज नहीं आता है ना, तो आप इन 5 में से कोई भी कैटेगरी के ऊपर काम करो, आपका ग्रोथ जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, विस्तार से देखना, आपको सारा चीज समझ में आएगा और आपके वीडियो पर बहुत तेजी से व्यूज भी आएगा। तो सबसे पहला बात करते हैं, अभी के टाइम पर ज्यादातर ट्रेंड में जो चल रहा है वो है हमारा मिनी ब्लॉग, ठीक है। मिनी ब्लॉग बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी के टाइम पर। आप देखना बहुत सारे लोग के मिनी ब्लॉग पर मिलियन में व्यूज आते हैं, किसी का 50 मिलियन, किसी का 100 मिलियन, किसी का 10 मिलियन, किसी का 5 मिलियन, बट व्यूज बहुत ज्यादा आता है। और मिनी ब्लॉग जो है ना, अभी के टाइम पर बनाना एकदम ईजी है, बहुत ही आसानी से आप मिनी ब्लॉग बना सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल दे तो यहाँ पे देखो, मैंने प्रूफ के लिए, बस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे देखो साइड पे मैं शो कर देता हूँ, मैं एक मिनी ब्लॉग बनाया था खुद के चैनल का। सबसे पहले आप ये देख लो यार, मुझे टेक चैनल के लिए एक वीडियो शूट करना है, जिसके लिए सबसे पहले अपने सेटअप को रेडी करना पड़ेगा, लाइट्स वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह जलाना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं आता हूँ अपने बोर्ड के पास एंड ऊपर वाले ट्यूबलाइट को ऑन करता हूँ। देन गाइस यहाँ पे बगल वाले ये भी ट्यूबलाइट को मैं ऑन कर देता हूँ। एंड दोस्तों फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऊपर का सारा ट्यूबलाइट ऑन हो चुका है। अब हमारे सामने बचता है ये वाला ट्यूबलाइट, तो फटाफट से इसको भी ऑन कर लेते हैं। एंड ये भी हमारा ऑन हो चुका है। अब क्या करते हैं, नीचे की तरफ एक और ट्यूबलाइट लगा देते हैं, ताकि हमारे फेस में कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह ना पड़े, वीडियो में इफेक्ट ना आए। तो फटाफट से ये भी रेडी हो चुका है। अब गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे फटाफट से अपने वॉच को पहन के पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, ताकि वीडियो में थोड़ा प्रोफेशनल दिखे। तो यहाँ पे हमने वॉच को भी पहन लिया और रेडी हो चुका। अब दोनों मोबाइल को साइड करते हैं एंड गाइस यहाँ पे अपने डिजिटल बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे देख सकते हो हमारे डिजिटल बोर्ड भी ऑन हो चुका है। अब पूरी तरीके से हमारा सेटअप यहाँ पे रेडी हो चुका है, लाइट्स वगैरह सारा चीज ओके हो चुका है। तो चलिए अब मैं वीडियो को शूट करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आप भी बहुत ही आसानी से मिनी ब्लॉग बना के, बस उसको अपलोड करके बहुत सारा अर्निंग कर सकते हो। मिनी ब्लॉग में ज्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको क्या करना है, सुबह उठोगे तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना है 5 सेकंड का, फिर कहीं गए 5 सेकंड का रिकॉर्ड कर लेना है, फिर कहीं और गए 5 सेकंड का रिकॉर्ड कर देना है। और जब दिन भर का पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो क्या करना है, शाम में उस सब पार्ट को मिला के वॉइस ओवर करके बस अपलोड कर देना है, इतना करना है। मतलब दिन भर का रूटीन आपको बस बताना है, समझाना है, कोई काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में ऑडियंस को बता के समझाओ और वीडियो बना लो और अपलोड कर दो। उसके बाद देखना आपके मिनी ब्लॉग पे बहुत अच्छा खासा व्यूज आएगा, क्योंकि अभी के टाइम पर मिनी ब्लॉग जो हमारा है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा अभी के टाइम पर व्यूज
आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया पहला चीज मिनी ब्लॉग। तो मिनी ब्लॉग ट्राई करो, बहुत अच्छा खासा व्यूज मिलेगा, इसमें ग्रोथ काफी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा जो दूसरा कैटेगरी है वो है फैक्ट, ठीक है। आपको फैक्ट के ऊपर काम करना है, फैक्ट बनाना है। अब कैसे वो समझ लो, ठीक है। इसमें व्यूज कैसे मिलेगा आप ये भी देख लो, और कैसे व्यूज आता है ना आप ये भी पहले समझ लो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो मैंने फैक्ट वाले शॉर्ट वीडियो को ओपन कर लिया हूं। ये जितना भी आपको वीडियो दिख रहा है ना ये सारा का सारा एक फैक्ट वीडियो है, ठीक है। लोग फैक्ट वीडियो बनाए हैं। अब देखो फैक्ट में व्यूज कैसे आता है, यहाँ पे देखो 54 मिलियन व्यूज है, 76 मिलियन व्यूज है, 27 मिलियन है, 80 मिलियन व्यूज, 81 मिलियन व्यूज, 32 मिलियन व्यूज, 5.7 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज, 12 मिलियन व्यूज, 156 मिलियन व्यूज, 14 मिलियन व्यूज, और यहां पे देखो 30 मिलियन व्यूज। और ये मैंने फैक्ट जाके सिर्फ सर्च किया हूं YouTube पर। मतलब फैक्ट अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। पहले मैंने बताया मिनी ब्लॉग और दूसरा फैक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है अभी के टाइम पर। तो अब आपको बात रहा कि आखिर फैक्ट वीडियो बनाएं कैसे, क्या बनाना है। तो फैक्ट वीडियो में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी चीज ले लेना है और उसका बस रिव्यू करना है, उसके बारे में बता देना है। जैसे कि दोस्तों यहां पे देखो मान के चलो क्या किया है, इस पे देखो यहां पे ये वीडियो बनाया है, इस पे छोटा छोटा चप्पल है, तो चप्पल के बारे में बता दिया कि छोटा छोटा चप्पल है, इसके बारे में कुछ फैक्ट बातें बता दिया। मतलब फैक्ट आखिर होता क्या कि किसी के बारे में निचोड़ के उसके बारे में विवरण करना। जैसे कि मान के चलो ये जो पेन है, ठीक है, पेन के बारे में आप फैक्ट वीडियो बना सकते हो कि पेन से यहां लिखा जाता है, इसके अंदर इंक होता है, रिफिल लगता है, जो भी हो, मतलब इसके ऊपर आपको फैक्ट वीडियो बनाना है। इसी तरह से आप किसी भी चीज का बना सकते हो, जैसे कि ये वॉच हो गया, तो वॉच के बारे में कुछ फैक्ट चीजें बता सकते हो, कुछ ऐसा चीज बता सकते हो जो कि लोगों को नहीं पता है, मैक्सिमम लोग नहीं जानते। तो इसी तरह से ना कोई भी चीज का, चाहे कोई आदमी हो या कुछ भी हो, उनके बारे में एक कुछ ऐसा चीज बताओ, कुछ ऐसा फैक्ट बताओ जो कि लोग पहले से नहीं जानते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज के ऊपर फैक्ट बना सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहां पे देखो ये जो बंदा है ना, ये बंदा बैठा है एक ऑटो में, ठीक है, ऑटो ड्राइवर है या तो जो भी है, ये यहां पे बैठा है उदास, पैरों से यहां पे हैंडल को घुमा रहा है। तो इसके बारे में किसी ने फैक्ट वीडियो बना दिया कि ये बंदा आखिर क्यों घुमा रहा है, कि रीजन क्या है, कुछ इसके बारे में बता दिया, और वैसे में क्या हुआ, इस वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आ गया यहां पे देखो, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा चल ही रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखो इसी प्रकार से फैक्ट कैसे बनाया जाता है। यहां पे क्या लिखा है, प्लास्टर कटर स्किन को क्यों नहीं काटता है, ठीक है। तो यहां पे बता दिया, इसके बारे में फैक्ट बना दिया, मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर देना, ये हो गया एक तरीके से फैक्ट, ठीक है। बहुत सारा मतलब होता है, जैसे कि यहां पे देखो दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, ठीक है, यहां पे फैक्ट बताया, मतलब अलग अलग देश का बताया कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, तो ये भी एक तरीका फैक्ट हो गया। मतलब फैक्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान है, किसी भी चीज का बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हूं, अगर आप चाहो तो इस पेन का फैक्ट वीडियो बना सकते हो कि पेन से कैसे लिखा जाता है, इसके अंदर क्या होता है, आखिर कैसे लिखता है, रिफिल क्या होता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा चीज, जो कि ये भी बहुत आसान है और अभी के टाइम पर ट्रेंड में चल रहा है। मिनी ब्लॉग फैक्ट दोनों बहुत अच्छा खासा व्यूज मिलेगा, दोनों में से किसी भी कैटेगरी पर आप काम करोगे तो, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखो अब बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा हो गया लाइफ स्टाइल, ठीक है, लाइफ स्टाइल हो गया तीसरा। अब लाइफ स्टाइल में क्या करना है, ये देखो लाइफ स्टाइल में आपको करना क्या है, आपको किसी भी सेलिब्रिटी का उसके लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है। सेलिब्रिटी या तो कोई बड़ा आदमी या तो कोई बड़ा यूट्यूबर जो पॉपुलर है, उसके बारे में आपको रिव्यू करना है, उसकी बायोग्राफी के बारे में बताना है। जैसे कि मान के चलो महेंद्र सिंह धोनी, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, जाने के बाद आप सर्च कर दो महेंद्र सिंह धोनी विकिपीडिया, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि महेंद्र सिंह धोनी कौन थे, उसका जन्म कब हुआ था और वो क्या कर रहे हैं, उसका एज क्या है, सारा चीज डिटेल्स आ जाएगा गूगल पे, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। तो गूगल से किसी भी आदमी का पूरा डेटा निकालो, पूरा डिटेल्स निकालो, और उसके ऊपर डेटा निकालने के बाद वहां से उसका फोटो भी डाउनलोड कर लो, और क्या करो, बस काइनमास्टर या तो किसी भी एप्लीकेशन में जाओ, वहां पे उसके फोटो वगैरह लगाओ और उसके बारे में पूरा बायोग्राफी बोल दो, ठीक है। मतलब उसके बारे में सारा चीज बता दो कि इतना जन्म हुआ था, वो ये काम करते हैं, यहाँ से स्ट्रगल किए, मतलब सारा चीज उसके बारे में रिव्यू कर दो। इसी तरह से आप किसी के भी बारे में बता सकते हो, जैसे कि मान लो चलो मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी के बारे में बता सकते हो, उसका जन्म कब हुआ था, वो पहले क्या काम करते थे और अभी के टाइम पर क्या काम करते हैं। मतलब इस प्रकार से लेकर आपको एक मिनट की वीडियो बनाना है, 50-60 सेकंड के अंदर की वीडियो बनाना है और बस अपलोड करना है। तो लाइफ स्टाइल वाला एकदम बहुत आसान चीज है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाने के बाद जिसके बारे में बायोग्राफी बना रहे उसके फोटो को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसके बारे में विवरण भी ले लेना है, गूगल से आपको मिल जाएगा, एंड बस क्या करना है, एडिट करके, वॉइस ओवर करके, एक्सपोर्ट करके अपलोड कर देना। और ये जो है ना लाइफ स्टाइल, ये काफी तेजी से चलता है, क्योंकि पॉपुलर लोगों की वीडियो किसी के भी सामने जाएगी ना, तो उनकी वीडियो को आराम से देखेगा। तो आपको हमेशा पॉपुलर यूट्यूबर के लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताना है, और ये अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारा व्यूज आ रहा है। पहले मैंने आपको जो डेटा दिखाया था ना, ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा दिखाया होगी लाइफ स्टाइल से ही अर्न किए गए, मतलब इस चैनल पर क्या करते हैं जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर है या तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके लाइफ स्टाइल उसके बायोग्राफी के बारे में बताते हैं, और देखो कितना अच्छा खासा व्यूज आता है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स और अच्छा खासा अर्निंग भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया
हमारा तीसरा चीज। अब दोस्तों बात करते हैं चौथा कैटेगरी, चौथा कैटेगरी क्या है, चौथा चैनल की आइडिया क्या है। तो दोस्तों हमारा चौथा कैटेगरी है ट्रेंडिंग, ठीक है, ट्रेंडिंग के ऊपर आप काम करो, जैसे कि जब ट्रेंड में चले उसी के ऊपर काम करो। बहुत सारे लोग देखे होंगे जब आईपीएल ट्रेंड में चलते हैं तो आईपीएल के ऊपर डेली वीडियो डालते हैं, गूगल से जाके आईपीएल की फोटोज डाउनलोड कर लेते हैं, उस पर अपना वॉइस ओवर करते हैं और आईपीएल के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। जब वर्ल्ड कप चलता है तो वर्ल्ड कप के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं, अपना उसके बारे में खुद से बताते हैं। जब T20 चलता है तो T20 के बारे में बताते हैं, मतलब जो जब ट्रेंड में चले तो उस चीज को कवर करते हैं, चाहे कोई फिल्म हो, कोई मूवी हो, कोई सेलिब्रिटी का हो, किसी का बर्थडे हो, मतलब वही चीज को क्या करते हैं, ट्रेंडिंग को पकड़ते हैं, उसी के ऊपर वो क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। गूगल पे जाने के बाद वहां से फोटो वगैरह डाउनलोड कर लो एंड उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लो और क्या करो, उसके ऊपर वीडियो बना दो। चाहे आईपीएल चल रहे हो, T20 चल रहे हो, वर्ल्ड कप चल रहे हो, या तो फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो कुछ भी चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, उसी के ऊपर काम कर दो, उसके ऊपर वीडियो बना दो। चाहे कोई नया फोन आ गया, नया मोबाइल आ गया, नया लैपटॉप आ गया, तो उसी के बारे में डिटेल से वीडियो बना दो। मतलब हमेशा ट्रेंडिंग को पकड़ो, शॉर्ट्स में आपको वीडियो बनाना है। तो ये भी काफी तेजी से चलेगा क्योंकि ट्रेंड हमेशा चलता है, ट्रेंड के ऊपर कोई भी वीडियो बनाएगा तो अच्छा खासा व्यूज आ ही जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवा कैटेगरी, और पांचवा कैटेगरी बनाना एकदम आसान है, उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पांचवा कैटेगरी हमारा क्या है, पांचवा कैटेगरी है शॉर्ट्स का, वो हो गया फूडी ब्लॉग, ठीक है, फूडी ब्लॉग, फूडी ब्लॉगर या ब्लॉग बोल सकते हैं जो चाहे, फूडी ब्लॉग। वो क्या होता है, खान पान का चीज, मतलब दिन भर में आप कुछ भी खाते हो तो क्या करो, उसको रिकॉर्ड कर लो थोड़ा अलग तरीके से और उसको बस अपलोड कर दो। कुछ भी खाते हो, चाहे आप सुबह का चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, क्या करना है, बस आपको उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद सिंपल तरीके से थोड़ा बहुत एडिट करके वॉइस ओवर अपलोड, मतलब वॉइस ओवर करो या ना करो वो फर्क नहीं पड़ता है, बस रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर दो। खान पान की चीज अभी के टाइम पर लोग बहुत सारा देखते हैं, उस पर बहुत सारा व्यूज आता है, मिलियन में व्यूज आता है, ठीक है। तो इन पांचों में से कोई भी कैटेगरी के ऊपर काम करो, आपके चैनल पर व्यूज बहुत तेजी से आएगा, आपका चैनल का ग्रोथ काफी तेजी से होगा। सबसे पहला मैंने बता दिया मिनी ब्लॉग, दूसरा बता दिया कि फैक्ट के ऊपर काम करो, किसी भी चैनल के फैक्ट के बारे में बताओ, मतलब किसी के बारे में भी फैक्ट वीडियो बनाओ, चाहे पेन का बनाओ, डिजिटल बोर्ड का बनाओ, मोबाइल का बनाओ, कैमरा का बनाओ, गन का बनाओ, किसी चीज के बारे में बताओ, बस आपको फैक्ट के बारे में बात करना है। एंड तीसरा लाइफस्टाइल, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी पॉपुलर आदमी हो तो क्या करना है, गूगल पे जाओ, उसका फोटो डाउनलोड करो, उसके बारे में टोटल डिटेल्स निकालो, डिटेल्स निकालने के बाद उसके लाइफस्टाइल के बारे में वही एक वीडियो बना दो एक मिनट से नीचे का और अपलोड कर दो। बहुत आसान तरीका है इस तरीके से, ठीक है। एंड चौथा ट्रेंडिंग, हमेशा ट्रेंडिंग के ऊपर कवर करो, जो जब ट्रेंड में चल रहा है उसी के ऊपर आप काम करो, उसी के ऊपर आप वीडियो बनाओ। और पांचवा मैंने बता दिया खान पान की चीज, जो कि हो गया फूडी ब्लॉग, ठीक है। तो ये टोटल पांच कैटेगरी है, पांचों कैटेगरी में से आपको जो बेटर लगे उसके ऊपर काम करो, आपका चैनल का ग्रोथ काफी तेजी से होगा क्योंकि ये पांचों कैटेगरी अभी के टाइम पर ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कोई और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।